मित्र नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सावधान, मई में आ रहा है बड़ा तूफान मेष राशि। मित्रों, जो मई का महीना है इसमें कई ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि ऑलरेडी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, जिसकी वीडियो मैंने अभी पहले बनाई थी। राहु ये युवा अवस्था में पहुंच चुके हैं। गुरुदेव बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन कर देंगे और ये सभी मेष लग्न और मेष राशि वालों की कुंडली में धन भाव पर विराजमान हो जाए, तो कई मामलों में आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि तूफान आने वाला है। जब कई प्लेनेट परिवर्तन करते हैं या युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो अच्छा या बुरा जो भी फल वो दे रहे होते हैं वो भारी मात्रा में जातक को मिलने लगते हैं। शुरुआत में सूर्य आपके उच्च राशि में ही बैठे रहेंगे और ये 14 मई से गुरु के साथ कॉम्बिनेशन बना देंगे। शुक्र आपके लग्न पर विराजमान है और ये 31 मई को, यानी कि पूरा महीना आप मान के चलिए मई का, ये आपके लग्न पे ही रहेंगे। 31 मई को ये अपनी राशि में वृषभ में गोचर करना शुरू कर देंगे। राहु लगभग 20 डिग्री के हो चुके हैं, केतु भी लगभग इसी डिग्री पे चल रहे हैं और शनि ऑलरेडी आपकी कुंडली में एकादश भाव में गुरु के नक्षत्र में गोचर करने लगे। बचे बुध देवता ये नीच राशि में ही संचार कर रहे हैं, जो कि 10 मई तक नीच राशि में रहेंगे, फिर आपके लग्न पर विराजमान हो जाए। अब जानकारी देंगे मेष वालों के भविष्य फल की, जो कि मई का है। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी करने वालों के विषय में, तो आपकी कुंडली में दसवें शनि 11वें भाव में बैठा हुआ है, गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और गुरु आपकी कुंडली में धन भाव पर 1 मई से जाने वाले हैं। धन का मालिक शुक्र आपके लग्न पे विराजमान है। इसका मतलब ये रहा कि नौकरी आपकी बढ़ने वाली है, बढ़िया प्रॉफिटेबल रिस्पांस आपको अपने कार्य क्षेत्र से मिलने वाला है। नौकरी करते हो तो वो भी बढ़ेगी। और उधर सप्तम भाव पे शुक्र स्वराशि की दृष्टि डाल रहे हैं, अपने ही घर को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये रहा आने वाले समय में व्यापार आपका बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और आर्थिक स्थिति वैसे भी मेक्स वालों की अच्छी ही चल रही है और गजब की आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि नौकरी और व्यापार दोनों आपको बढ़ता हुआ कई गुना ज्यादा दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में भैया शिक्षा का मालिक उच्च का होकर के बैठा है और उसके बाद ये अपने भाव से दशम बैठ जाए। विद्यार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थिति आपको अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ेगी। करियर आपका बढ़िया चलता रहेगा, मेहनत आप करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमे। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, यात्राओं के सुखद योग बने हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यात्राओं से बढ़िया लाभ मिलेगा। देश विदेश जाना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे थे, तो वह प्लानिंग आने वाले समय में सार्थक होते हुए आपको दिखाई पड़ सकती है। वहीं पर प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, प्रेम में आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़े। जो लोग शादी करना चाहते हैं, शादी के योग्य उनकी आयु है, तो मान के चलो सप्तमेश लग्न पे बैठा है और पूरा महीना यहाँ पर लग्न पे बैठा रहेगा और शुरुआत में सप्तमेश पंचमेश की युति बनी हुई है, तो मैरिज और लव मैरिज दोनों हो जाने के योग बढ़िया बने हुए हैं मई के महीने में, तो मेष वाले इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। अगर शादी करना चाहते हो तो भैया शादी करो, स्थिति आपके पक्ष में है, गोचर आपका सपोर्ट कर रहा है।
दुश्मन यदि आपके बहुत ज्यादा है, शत्रु बहुत ज्यादा है, तो शत्रुहंता योग बढ़िया तरीके से बना हुआ है, शत्रुओं का विध्वंस होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि केतु आपके छठे भाव में बैठे हैं, राहु की सीधे सत्सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो इसका भी बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उधर लग्नेश स्वयं छठे भाव को कुचल रहे हैं, तो इसका मतलब ये रहा कोर्ट कचहरी वाद विवाद में विजय मिलना, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहना, और कहीं ना कहीं इन सभी मामलों में राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। भाग्य आपका कितना साथ देगा, तो आपके भाग्य के मालिक 1 तारीख को धन पर बैठने जा रहे हैं, यह दैवी कृपा आपको आने वाले समय में बहुत आगे तक लेकर के जाने वाली है। जबरदस्त तरीके से पैसे का लाभ होगा, परिवार का अपनों का सहयोग मिलेगा, वाणी में आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से मधुरता देखने को मिलेगी, और वाणी से संबंधित जो लोग किसी भी प्रकार का काम करते हैं, वकालत हो गया, अध्यापक हो गया, अध्यापन हो गया, पंडिताई हो गई, स्पीकर का काम है, कोई इस प्रकार का यदि आपका काम है, तो ऐसे जातकों को विशेष लाभ मिलने वाला है। अब आपको सावधानी क्या बरतनी है, इसकी मैं आपको जानकारी दे दूं, तो वैसे तो कोई बड़ी आपके लिए चिंता नजर नहीं आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्षेत्रों में लाभ के योग बने हुए हैं। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं, उनको थोड़ा सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और अगर कोई नया काम कारोबार आप शुरू ही करना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा सोमवार के दिन आप शुरू करिए, ताकि लाभदायक स्थिति आपके लिए बन जाए। वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि मेष वालों के पास काम कारोबार ना हो, क्योंकि गोचर में स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है आपके ऊपर। ना तो शनि की ढैया है, ना साढ़े साथी, शनि भी आप पर मेहरबान है, अब गुरु भी 1 तारीख से मेहरबान हो जाएंगे, तो जबरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेगा। उधर गुरु की नवम दृष्टि के कमाल से अगर आप काम कोई नहीं भी कर रहे हैं, तो मान के चलो दसम भाव पे जैसे ही 1 तारीख से गुरु दृष्टि डालना शुरू करेंगे, जबरदस्त तरीके से फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। काम कारोबार में आपके तरक्की के प्रबल योग इस माह बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। सावधानी सिर्फ इतना रखना, कोशिश करना कि बहुत ज्यादा कर्ज का लेन देन ना करना। अगर मान लिया कोई ऐसी स्थिति आ जाए, वैसे तो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको किसी को कर्जा देना है या किसी से पैसा लेना है, तो बृहस्पतिवार के दिन आपको बचाव करना है। इस दिन ना तो कर्जा लेना और ना तो किसी से कर्जा, किसी को कर्जा कहने का मतलब देना। उपाय क्या करोगे, तो भैया आपके गुरु कृपा बरसाना शुरू कर दिए हैं, और आने वाले 13 महीने तक महाभाग्यशाली राशि में से एक रहने वाली है मेष लग्न और मेष राशि। ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप आपको आगे और भी ज्यादा बढ़ाने में सहायक होगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।